व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आइए वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। ये देखिए कितनी शानदार बात बोली गई यहाँ पर। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। देखिए कल था प्रीलिम्स और कई सारे स्टूडेंट जो पेपर देकर आए थे मुझे SMS किया और बोले कि सर जो पेपर है वो ज्यादा अच्छा नहीं हुआ क्योंकि पेपर थोड़ा टफ था। देखिए पहली बात तो आप लोगों को एक माइंड में ये याद रखकर चलनी पड़ेगी कि टफ और आसान ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, कितने आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करके चलते हैं, कितना आप अच्छे से रिविजन करते हैं और कितना आप लोग किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड रहते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था स्टार्टिंग में कि आप लोगों को रिविजन करना है पॉलिटिका। अगर आप लोग रिविजन करते रहते मेरे साथ साथ में, जो भी स्टूडेंट्स ने पॉलिटिका रिविजन किया है वो काफी अच्छे से उसको अटेम्प्ट करके आए हैं। जिस तरीके से पॉलिटी हम लोगों ने कवर की है, आप लोग किसी कोचिंग के भी नोट्स उठाकर देखेंगे ना, वहां पे भी आप लोगों को इतना कवर किया हुआ नहीं मिलेगा, कहीं भी देख लीजिएगा जाकर। बिल्कुल आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव मैंने पॉलिटी पढ़ाई है तो, पर लेकिन आप लोगों ने कहीं ना कहीं कोताही बरती है रिवीजन करने में, इसीलिए आप लोग क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाए हैं। और मैंने वीडियो बनाई है कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों को सारे दिखाए भी है मैंने, कहां कहां से क्वेश्चन क्या क्या रखे हैं, आप लोगों को डायरेक्ट भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं और आप लोग उसकी हेल्प से क्वेश्चन सोल्व भी कर सकते हैं आराम से। तो ये प्रोसीजर देखने को मिला। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे कि आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन उनको नहीं बोलेंगे, पर लेकिन जो मैं आप लोगों को करंट अफेयर की जो क्वेश्चन वाली वीडियो है उसमें क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस कराता हूं, वहां से आप लोगों को कई सारी स्टेटमेंट डायरेक्ट निकल के आ रही हैं। उस स्टेटमेंट के बेस पे आप लोग कई ऑप्शन एलिमिनेट करके ऑप्शन निकाल सकते हैं। देखिए कभी भी आप लोगों को UPSC जैसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, वहां पर आप लोगों को अपना ब्रेन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और जैसे कि आप लोगों ने पेपर देखा, देखिए उसके 50 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, पॉलिटी की अलग से वीडियो बना चुका हूं, 50 क्वेश्चन की वीडियो और बची हुई है वो आज आप लोगों को मिल जाएगी। टोटल 100% आप लोगों का डिस्कशन यहां पर हो जाएगा, ठीक है। पर लेकिन एक बात आप लोग यहां पर एनालाइज करनी पड़ेगी कि देखिए यहां पर अगर आप लोग यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो थोड़ा तो आप लोगों को डीप में जाना पड़ेगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं ऊपर ऊपर से पढ़कर और बिना रिवीजन के काम चल जाएगा और आप लोग यूपीएससी निकाल के ले जाएंगे तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो उससे बाहर निकलने की सोचिए, जिसका अच्छा पेपर हुआ है नो डाउट उसको आगे अच्छे से तैयारी करनी है अपनी, मेंस के लिए लग जाइए अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर वे में। पर लेकिन जिसका एग्जाम बुरा हुआ है या अच्छा नहीं हुआ है, लग रहा है कि नहीं एक तरीके से अच्छे मार्क्स आ पाएंगे, तो परेशान और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही परेशान होने की जरूरत है। आगे अभी आने वाला है, फिर से आप लोग फिर से लग जाइए अच्छे से, ठीक है ना। तो ये फिर आएगा, आप लोग अगर अभी से प्रिपरेशन करके चलेंगे तो अच्छे से आप लोग उसको अचीव करके ले जाएंगे। पर लेकिन मैं एक आप लोगों को छोटा सा मंत्र आप लोग बोल सकते हैं या फिर आप लोग इसको एक सीख बोल सकते हैं, जो भी आप लोग माने इसको वो आप लोग मान सकते हैं जो मैं यहां पर बताने चाह रहा हूं। अगर ये फॉलो करके चलेंगे तो लाइफ में आप लोग कोई भी एग्जाम दे लीजिए आप लोग मार नहीं खाएंगे। वो क्या है, वो है कि आप अपना जिस दिन का काम आप लोगों ने डिसाइड किया है, जिस दिन आप लोगों को जो करना है उस दिन कंप्लीट करके आप लोगों को हटना है। मतलब जैसे आप लोगों को मॉर्निंग में वीडियो देखनी है या आप लोगों को रेगुलर देखनी है, इसके अलावा आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस आप लोगों को रेगुलर करना है, क्वेश्चन की वीडियो देखनी है रेगुलर देखनी है आप लोगों को। मतलब कहने का यह है कि अगर आप लोग एक जिस तरीके से जंजीर होती है उसकी कड़ी जो होती है, जितनी ताकतवर उसकी कड़ी रहेंगी उतनी ताकतवर वो जंजीर रहेगी। जैसे ही कड़ी वीक हो जाती है वैसे ही आप लोगों की वो जंजीर वीक होगी और वैसे ही आप लोगों की प्रिपरेशन वीक होगी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कंटिन्यूअस प्रिपरेशन करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कंटिन्यूअस प्रिपरेशन नहीं करते हैं। तो देखिए जो कंटिन्यूअस प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमेशा उसको निकाल के ले जाते हैं, ठीक है। और जो कंटिन्यूअस प्रिपरेशन नहीं करते हैं, एक दिन कर लिया लग के 10 दिन जोश में लग गए फिर भूल गए उसको, तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि जब भी आप लोग पढ़ने बैठे आप लोगों का एक टाइम डिसाइड होना चाहिए कि हाँ कम से कम कुछ भी हो जाए 8 से 10 घंटे आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। और देखिए यूपीएससी के लिए इतना तो टाइम आप लोगों को देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। यूपीएससी के लिए अगर आपको कोई भी एग्जाम टारगेट है, SSC या बैंकिंग भी, आप लोगों को टाइम अच्छे से डेविएट करना ही पड़ेगा वहां पर, अगर आप लोग रियली चाहते हैं कि आप लोग एक अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाए फ्यूचर में। और एक बात और याद रखिएगा, देखिए मेहनत या तो आप कर लीजिए या फिर ये मेहनत आप लोग बुढ़ापे में कीजिएगा, बुढ़ापे में आप लोग को अलग तरीके से करनी पड़ेगी, अब करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा पे मिल जाएगा यहां पर। तो आप लोग खुद सोचिए कि आप लोगों को क्या करना है यहां पर। तो आज तो बस ये छोटी वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं यहां पर आप लोगों को गाइड करने के लिए कि किस तरीके से आप लोगों को आगे प्रिपरेशन करना है। आर्टिकल ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ कमी आर्टिकल है जो मैंने कल वीडियो के अंदर भी बोले थे कि हाँ कुछ आप लोगों को आर्टिकल डिस्कस करूंगा, वहां पर डिटेल में बताऊंगा, जो भी क्वेश्चन की वीडियो में नहीं डिस्कस कर पाया था तो वो कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा। पर लेकिन एक बात आप लोग गांठ बांध लीजिए, अगर आप लोग यहां पर करंट अफेयर की जो वीडियो है ये देखकर चलेंगे और यहां पर जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके चलेंगे तो आप लोग कभी भी एग्जाम में करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कभी मार खाने वाले नहीं है, इस बात की तो मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूं। इतना तो आप लोगों को विश्वास करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो चीजें आप लोग बांध लीजिए गांठ के, आप लोगों को ये करना ही करना है। और पॉलिटी कवर करा चुका हूं, पॉलिटी आप लोग करते रहिए। इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है,
देखिए आप लोगों को अलग से जो भी आप लोग नोट्स बना सकते हैं नोट्स बना के रखिए, एग्जाम के टाइम पर आप लोगों को बहुत काम आते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग जितना नोट शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे उतने अच्छे से उसको रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। अभी मैं मर्ज कर रहा हूं आप लोग ये पीडीएफ भी सारी, ये भी आप लोगों को टाइम पे मिल जाएंगी, अभी विद इन वन वीक आप लोगों को ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी ताकि आप लोग अच्छे से आगे अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें, और यहीं से अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और जिस दिन से स्टार्ट कर देनी है फिर आप लोगों को, चाहे आप लोगों का मन हो चाहे ना हो, मन किसे नहीं चलना है, ठीक है, मन से चलेंगे तो पता नहीं क्या क्या होगा, अपने गोल के हिसाब से चलना है, मतलब जो करना है तो करना ही है, ये आप लोगों का टारगेट होना है अब, ओके। और बाकी जो शाम की क्वेश्चन की वीडियो है उसमें मैं सोच रहा हूँ कुछ स्टैटिक पोर्शन भी डाल दूं, मिनिमम 10 क्वेश्चन तो वहां पर रहा करेंगे, आगे भी उसमें बढ़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम जैसा मेरे पास रहा करेगा आप लोगों के लिए। मिनिमम इसमें आप लोगों को एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चन मिला पड़ेंगे, करंट अफेयर के भी क्वेश्चन मिलेंगे, स्टैटिक पोर्शन भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, अगर आप लोग मेरे साथ अच्छे से जुड़ के चलेंगे तो मेरा आउटपुट देने का और मन करता है, पर लेकिन आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग कितना मेरे से करवाना यहाँ पर चाह रहे हैं। जितना आप लोग डेडिकेटेडली फॉलो करके चलेंगे मैं उतना ही ज्यादा अच्छे से वहां पर और ज्यादा मेहनत करना कोशिश करूंगा, ठीक है। पर लेकिन आप लोगों का डेडिकेशन टूटता चला जाता है, आधे आधे स्टूडेंट देखते हैं आधे फिर नहीं देखते हैं, कुछ देखना बंद कर देते हैं, स्टार्ट तो करवा लेते हैं आप लोग चीज की सर ये कर दीजिए ये कर दीजिए, पर लेकिन फिर कंटिन्यूटी में नहीं कर पाते उसको, तो ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ में जो हो रही है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को फिर इसी तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ता है आप लोगों को एग्जाम में। तो ये आदत सुधारिए और कंटिन्यूटी में अपनी चीजों को करना स्टार्ट कीजिए, ओके। आइए अब देखते हैं आर्टिकल। तो जो ये क्वेश्चन था ये काफी इंपॉर्टेंट था, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी था, कई सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे कंफ्यूजन थे इस सवाल में, तो ये मैंने बताया था आप लोगों को डिटेल में डिस्कस करूंगा। टॉपिक क्या है? टॉपिक है जीएसटी। सबसे पहले आप लोगों के माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जीएसटी कौन सा टैक्स है। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। दो तरीके के टैक्स होते हैं जो मोटे मोटे तौर पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स हम लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करते हैं, इनकम टैक्स आप लोग उदाहरण ले सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा होता है आप लोग कोई भी सामान खरीद के लेके आते हैं तो उस पर टैक्स लगा होता है, इनडायरेक्ट वे में वो गवर्नमेंट तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे वो सारे इसमें मैक्सिमम सब्ज्यूम कर दिए गए हैं, हालांकि कुछ बचे हुए हैं पर लेकिन मैक्सिमम कोशिश की गई है सब्ज्यूम करने की इसमें, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर हमारी कंट्री में जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया और इसी को देखा जा रहा है कि किस किस एरिया में जीएसटी लगाया गया है। एक बात आप लोगों को और देखने को मिलेगा, यहां पर हमारी कंट्री में जो कलेक्शन है इनडायरेक्ट टैक्स का वो एज कम्पेयर टू डायरेक्ट टैक्स आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जब हमारी कंट्री 1947 में आजाद हुई उस टाइम पर लोग इतने अमीर नहीं थे, ठीक है, तो गवर्नमेंट उनसे डायरेक्ट टैक्स नहीं ले सकती थी कि हाँ उनपे इनकम टैक्स बहुत ज्यादा इम्पोज कर दिया, कोई भी ऐसा डायरेक्ट टैक्स जो जनता को पे करना पड़े, क्योंकि ना तो ज्यादा इनकम हुआ करती थी, कोई ज्यादा ऐसी पैदावार भी नहीं थी, कोई इंडस्ट्री भी नहीं थी। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ज्यादा जो है इनडायरेक्ट वो डायरेक्ट टैक्स ज्यादा नहीं था, पर लेकिन गवर्नमेंट ने छोटा छोटा टैक्स लगाकर इनडायरेक्ट टैक्स यहां पर वसूलना स्टार्ट किया, जिससे रिवेन्यू गवर्नमेंट के पास में आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि रिवेन्यू की जरूरत है। अगर रिवेन्यू नहीं आएगा तो फिर कैसे सोशल वेलफेयर की स्कीम चलाई जाएगी, एजुकेशन, हेल्थ या फिर रोड या फिर एनवायरमेंट को सही करना, जो भी स्कीम चलाई जाती है बिना पैसे के थोड़ी ना चलेगी। तो गवर्नमेंट ने वो इनडायरेक्ट वे में पैसा लेना स्टार्ट कर दिया, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के इनडायरेक्ट टैक्स बना डाले। तो अब उन सारे इनडायरेक्ट टैक्स को एक जगह इकट्ठा करके जीएसटी बनाया गया, ठीक है। तो उसी जीएसटी के बारे में ये क्वेश्चन था। तो पूछा गया है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिन पर जीएसटी लगाया गया है और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिन पर जीएसटी नहीं लगाया गया है। मैक्सिमम ये प्रोडक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि आप लोगों को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी, या फिर वो प्रोडक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के साथ में, या फिर आप लोगों को देखने को मिलेंगे मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर या फिर एलाइड सेक्टर जो एग्रीकल्चर का है वो वाले प्रोडक्ट, जैसे मुर्गी पालन वगैरह हो गया, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट हो गए, तो मुर्गी अंडा देती है, अगर वो अंडा डायरेक्ट, जैसे आप मान लीजिए कोई किसान है उसने अपने घर में मुर्गी पालन कर रखा है, अंडा होगा मुर्गी का, तो अगर अंडा मार्केट में बेचने जा रहा है किसान, ठीक है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पर लेकिन जैसे ही अंडा मार्केट में आएगा और मार्केट में आने के बाद में इस अंडे के साथ में कुछ छेड़खानी की जाएगी, मतलब अंडे को यहां पर उबाल दिया गया, उबालने के बाद में इसकी सब्जी बना दी, करी बना दी अंडे की, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यहां पर बना दिया, तो इसका मतलब यह है कि जो अंडा यहां पर हुआ करता था 3 से 4 रुपए का, अब उसी अंडे के यहां पर 35 से 50 रुपए लिए जा रहे हैं, ठीक है, सब्जी बनाकर उसको बेचा जा रहा है, तो अब इसके ऊपर जीएसटी लगेगा और स्टार्टिंग में इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो इस तरीके से कई यहां पर डिवाइड किया गया है जीएसटी को कई तरीके से, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं जो भी यहां पर जो सीरियल ग्रेन है, यहां पर जो मस्त ये देखिए, एक मिनट पिक्चर देख के आप लोग समझेंगे, ये आप लोग देखिए जैसे जौ वगैरह होती है, फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा चना होता है, उसका छिलका होता है, ये क्या होते हैं, इनको कहीं पे ऐसा थोड़ी ना किया जा रहा है कि इसके ऊपर कोई ज्यादा प्रोसेसिंग वगैरह करके या फिर इससे ज्यादा रिवेन्यू जनरेट किया जा रहा है किसानों के द्वारा। क्या करते हैं इसको, कई बार तो खेतों में ही छोड़ देते हैं, कई बार इसका भूसा बनाकर डांगरों को, मतलब जो डांगर ढेर होते हैं, मतलब पशु होते हैं, उनको डाल देते हैं,
तो ये एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगा हुआ है, ठीक है। पर लेकिन ये अंडा जैसे आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको उबाल के निकाला गया और निकालने के बाद में फिर सब्जी वगैरह बनाई गई, या फिर अगर वैसे 4 रुपए का अंडा आता है पर लेकिन उबाल कर या फिर इसको नमक मिर्च मसाला लगाकर जैसे बेचा जाता है, तो इसका प्राइस आप लोगों को 9 से 10 देखने को मिलता है, तो यहां पर जीएसटी लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन डालने की कोशिश की गई है इस क्वेश्चन के द्वारा। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं जो यहां पर ये देखिए ना, यहां पर जो बोला गया चिकन एग कुकड, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैक्सिमम जो कंफ्यूजन है वो इस स्टेटमेंट में है। इस स्टेटमेंट में कंफ्यूजन क्यों है, क्योंकि आप लोग यहां पर देखिए जीएसटी जो काउंसिल की मीटिंग हुई थी, ये हुई थी 11 जून 2017 में। 11 जून 2017 से पहले जो यहां पर जीएसटी था वो प्रीवियसली 5% रेट यहां पर इंप्लीमेंट किया गया था। पहले तो आप लोग ये देख सकते हैं जो मैंने आप लोगों को ये भूसा दिखाया, इस पर भी पहले 5% था, ठीक है। पर फिर देखिए कई सारे चेंज किए गए, अलग अलग मीटिंग हुई जीएसटी की, जीएसटी काउंसिल मिली आकर उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ किस पर लगना चाहिए और किस पर नहीं लगना चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में देखिए आप लोग कोई प्रोडक्ट बना देते हैं तो जैसे उसको यूज करना स्टार्ट करते हैं ना, फिर आप लोगों को पता चलता रहता है क्या उसमें कमियां और क्या खामियां है। तो जहां जहां इनको कमियां दिखती रही वो उसको सुधारते रहे और आगे बढ़ते रहे। ये काम किया गया यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि गवर्नमेंट की जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, ये आप लोगों को पता है बार बार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है और वो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आप लोगों को जीएसटी के अंडर में रखना है, कौन सा निकालना है, कौन सा प्रोडक्ट यहां पर ज्यादा फायदा पहुंचाएगा अगर जीएसटी के अंडर में रहेगा, किसान को कौन सा प्रोडक्ट फायदा पहुंचा रहा है। तो किसानों के ऊपर कोशिश की जाती है ज्यादा से ज्यादा जीएसटी न लगे, तो ये भी ध्यान रखा जाता है। तो जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, एक तो ये बात। मिनिमम कोरम कितना होता है, 50%, ठीक है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन था आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड क्वेश्चन था पहले, आप जो पहली बार जो यहां था, मतलब पहला जो प्रीलिम्स था उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है जीएसटी काउंसिल का, ठीक है। तो वहां पर पूछा गया था कि फाइनेंस कमीशन, इसके फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन होते थे, बोला गया था कि चेयरमैन कोई और होता है। तो इस तरीके से इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है जीएसटी काउंसिल के। अगर बात करें यहां पर वोटिंग पावर की, तो स्टेट्स के हाथ में ज्यादा वोटिंग पावर दे रखी है एज कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। और यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो भी यहां पर मैटर डिसाइड करना है, किस प्रोडक्ट को अंदर लाना है जीएसटी के, किस प्रोडक्ट को बाहर निकालना है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया छिलके जो है यहां पर फूड ग्रेन के, उनको बाहर निकालना था जीएसटी से, 5% जीएसटी भी खत्म करना था। तो यहां पर 3/4 मेंबर जो है यहां पर अप्रूव करेंगे जब ये इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगर 3/4 मेंबर अप्रूव करेंगे तो सीधी सीधी बात है कि अगर सारे स्टेट में से मैक्सिमम स्टेट अगर अप्रूव करेंगे तो इंप्लीमेंट किया जाएगा, बिना स्टेट के इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। तो फेडरल स्ट्रक्चर जो है, जिसको संघवाद का ढांचा बोलते हैं, वो बहुत शानदार तरीके से काम करता है हमारी जीएसटी काउंसिल के अंदर, ठीक है। तो यहां पर यही बात आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो यहां पर यह बोला गया था कि जो पहले लगा करता था 5% वो हटा दिया गया, ठीक है। तो एक तो कंफ्यूजन ही हो रहा है कि पुराना डेटा आप लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि सर इस पे तो ऑलरेडी लग रहा है, लगता था पर लेकिन फिर इसको हटा दिया गया जुलाई 2017 से जब इंप्लीमेंट किया गया, तो 0% इस पे जीएसटी है। तो फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों को यहां पर देखने को मिला 0% है, तो इसका मतलब वो जीएसटी के अंदर में नहीं आता है, ऑप्शन सही है। अब चलते हैं यहां पर सेकंड ऑप्शन की तरफ को, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। यहां पर बोला गया है जो बर्ड्स के एग्स होते हैं, ठीक है, जो अंडे होते हैं, अगर इन सेल है, इन सेल का मतलब अगर छिलके के अंदर है वो, जिस तरीके से ये अंडा है यहां पर छिलके के अंदर है, ठीक है। तो सेल और इन सेल मतलब छिलके के अंदर है, विदाउट छिलका है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये आप लोगों को देखना भी। तो अगर कोई यहां पर एग है जो इन सेल है, ठीक है ना, इन सेल है कोई एग, फ्रेश एग है, प्रिजर्व है, और उसको कुक्ड किया जा रहा है इन सेल में ही, ये कुक्ड एक तो इन सेल में किया जा रहा है और एक विदाउट सेल किया जा रहा है, ठीक है, ये देखिए कुक्ड, ठीक है ना। तो दोनों ही तरीके से है, अगर इन सेल कुक्ड किया जा रहा है तो ये तो देखने को मिलेगा यहां पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। विदाउट सेल कुक्ड किया जा रहा है तो इसका मतलब जीएसटी लगेगा। तो यहां पर इन्होंने ये क्लियर नहीं किया है, यहां पर क्लियरली लिखी हुई है सारी बातें, पर लेकिन यहां पर क्वेश्चन में इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि इसने लिख तो दिया चिकन एग कुकड, ना तो ये लिखा है इन सेल है या आउट सेल है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर ये स्टेटमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये क्लियर नहीं है, वेग स्टेटमेंट है, क्योंकि इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है यहां पर इस स्टेटमेंट में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहां पर लोगों को निकल कर आ रहा है, जो कि सेकंड स्टेटमेंट है। पर लेकिन यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देती है यहां पर, यूपीएससी क्या चाहती है, आप लोग थोड़ा अपना ब्रेन भी यूज करें। यहां पर मान लीजिए सेकंड स्टेटमेंट आप लोग थोड़ी देर के लिए यहां पर ये मान लेते हैं कि यहां पर ये मान लेते हैं कि यहां पर ये टैक्स के अंडर में आती है, ठीक है ना, मतलब इसको वो मान लेते हैं कि टैक्स के अंडर में नहीं आती है। तो फिर भी देख सकते हैं आप लोग दोनों ऑप्शन यहां पर गलत है आगे वाले, और यहां पर अगर इन ऑप्शन के हिसाब से चलें तो 1 और 2 यहां पर दे नहीं रखा है किसी भी स्टेटमेंट में। तो उस तरीके से भी अगर इसको लेकर चलेंगे आप लोग, फिर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आंसर ए निकल के आएगा यहां पर, ठीक है। तो बाकी का आप लोग देख लेते हैं, यहां पर अगर फिश है यहां पर प्रोसेस्ड की गई है यहां पर, या फिर कैंड की गई है यहां पर, तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है। न्यूज पेपर कंटेनिंग एडवर्टीजमेंट, इसके ऊपर भी आप लोग थोड़ा देख लीजिए, ये भी काफी चर्चा में था विषय,
इस पे क्या बात की जा रही थी, इस पे ये बात की जा रही थी यहाँ पर कि जीएसटी की जो बात की जा रही थी, देखिए एक तरीका है, एक न्यूज़पेपर है, पूरा न्यूज़पेपर आप लोग देखते हैं, न्यूज़पेपर में कोई स्पेस ले लिया मान लीजिए आप लोगों ने, ठीक है ना, ये स्पेस आप लोगों ने खरीद लिया यहाँ पर कि ये स्पेस मुझे खुद से यूज करना है। अगर आप लोग खुद से यूज करेंगे इस पे 5% रहेगा ये, ठीक है ना। अगर किसी इंडिविजुअल को देंगे ये तो उस पे भी आप लोगों को 5% देना पड़ेगा। मान लीजिए खरीद तो आपने रखा है ए, आप है ए, ठीक है, आपने खरीद रखा है, किसी बी को बेच रहे हैं, आपका है नहीं वैसे ये, उधार ले रखा है, किसी बी को बेच रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे जमीन नहीं होती है गांव में, किसान जमीन लेके किसी तीसरे को उधार दे दें, तो उस तरीके से ही है, ठीक है। तो तीसरे को भी यहां पर इसके तीसरे को भी 5% ही पे करना पड़ेगा। पर लेकिन अगर ये किसी एजेंसी को दिया जा रहा है, एडवर्टीजमेंट जो एजेंसी है उसको दिया जा रहा है, तो फिर यहां पर ये इसके जो भी यहां पर कमीशन होगा उसका 18% यहां पर इस पर लगेगा। मतलब मोटा मोटा आप लोग को याद नहीं रखना है ये 5% 6% 18% कुछ याद नहीं रखना है, ये याद रखना है अगर न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आते हैं तो वहां पर टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा, ये सीधी सीधी बात आप लोगों को याद रखनी है। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा फंडा है बिल्कुल कि एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री पे टैक्स लगता है, हाँ भाई लगता है, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आ रहा है तो टैक्स लगेगा, हाँ भाई बिल्कुल लगेगा, ठीक है। तो 5% यहाँ पर जीएसटी लग रहा है इनिशियल फेज में अगर आप लोग लगा के चलेंगे तो। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एग्जेम्प्ट कौन सा है टैक्स से जिसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है। तो ये था वो पूरा क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि डिटेल में आप लोगों को समझाना पड़ेगा। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं और कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि टैक्स के अंडर में नहीं आती हैं। ये आप लोग वीडियो को थोड़ी देर यहां पर रोक के देख सकते हैं, आप लोग एक दो बार इनको नजर में को निकालेंगे तो आप लोगों के माइंड में थोड़ा क्लैरिटी आएगी कि हाँ कौन कौन सा एरिया ऐसा है जो कि टैक्स के अंडर में नहीं रखा गया है, जिसको टैक्स से एग्जेम्प्ट किया गया है, टैक्स से बचाया गया है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग यहां पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ओके, आइए आप आगे बढ़ते हैं। एक बात आप लोग जरूर याद रखिएगा यहां पर, वो क्या है जो मैंने आप लोगों को बताया कि एडवर्टीजमेंट अगर है न्यूज़पेपर में तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, अगर एडवर्टीजमेंट नहीं है तो न्यूज़पेपर को एग्जेम्प्ट किया गया है, न्यूज़पेपर वहां पर नहीं, न्यूज़पेपर पर टैक्स नहीं लगेगा, ये बात जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इस बात में आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पर नॉर्मल सी भाषा में आप लोगों को एक चीज देखने को मिलेगी, कोई भी न्यूज़पेपर ऐसा नहीं आज की डेट में जिसमें एडवर्टीजमेंट नहीं होते हो, वरना न्यूज़पेपर अगर एडवर्टीजमेंट नहीं है तो देखिए आप लोग यहां पर इस पर टैक्स नहीं लगेगा, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये भी काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, ये भी आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में सुन सकते हैं। इसको भी बात की जा रही है प्लांट डिजीज की। देखिए अगर इंसान को किसी को जुकाम है, ठीक है ना, दूसरे इंसान को अगर जुकाम है तो क्या होगा उससे, तो एक दूसरे से मतलब इसको जुकाम है इसको जुकाम नहीं है तो जुकाम फैल जाएगा, तीसरे को भी नजला होने लगेगा, कोल्ड होने लगेगा। तो ये आप लोग कंडीशन देखने को मिलेगी, क्यों, क्योंकि इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर चल फिर सकते हैं, पर लेकिन जो डिजीज प्लांट में होती है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे कैसे पहुंचती है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। तो देखिए प्लांट तो चल नहीं सकते हैं, तो फिर क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से डिजीज फैलती हुई नजर आएंगी। तो यहां पर दोनों ही रीजन आप लोगों को नजर आएंगे, बायोटिक और एबायोटिक, मतलब एक तो जीवित आदमी मतलब जीवित इंसान या फिर आप लोग पशु पक्षी बोल सकते हैं, और एबायोटिक जो सा हवा हो गया, पानी हो गया, या फिर ये इस तरीके की जो एक्टिविटी हो गई, आंधी तूफान वगैरह हो गया। ये देखिए यहां पर मान लीजिए इस पे कोई बीमारी है, यहां पर इस पर्टिकुलर प्लांट में अगर हवा चलती है तो दूसरे प्लांट में भी फैलने की ये हो सकती है आराम से। इसी तरीके से अगर किसी पर्टिकुलर प्लांट को बीमारी है, अगर बारिश होती है तो वो यहां पर बारिश इससे लगती नीचे गिरेगी और फिर दूसरे प्लांट में पहुंचने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। देख सकते हैं कई सारी बीमारी यहां पर, टोमेटो हो गया, बीट हो गया, और ये आप लोगों को सुगर बीट हो गया यहां पर, तो अलग अलग बीमारी आप लोगों को देख सकते हैं यहां पर। यहां पर पत्तियों पे बीमारी लग रही है, यहां पर पहले ये पत्तियां खराब होने स्टार्ट हो गई है, ये जो पत्ती है इसकी आप लोग देख सकते हैं इस पर स्पॉट इस पर होने स्टार्ट हो गए, इसके तना जो है इस पर यहां पर स्पॉट आने स्टार्ट हो गए। तो ये बीमारी है, ये इनके नाम भी दे रखे हैं बीमारी के, ठीक है ना, जैसे यहां पर दे रखे हैं लीफ मोल्ड, ठीक है, अर्ली ब्राइट, तो ये बीमारी के नाम दे रखे हैं जो पर्टिकुलर आप लोगों को टोमेटो में देखने को मिलती है, वीट में इसी तरीके से आप लोगों को नाम देख सकते हैं स्टेम रस्ट, ठीक है ना। तो देख सकते हैं यहां पर ये हो गया वीट लीफ रस्ट, इसी तरीके से स्टिप रस्ट, तो ये आप लोगों को बीमारी देखने को मिलेगी, लीफ स्पॉट यहां पर देखने को मिल गया। तो ये अलग अलग बीमारी है जो कि फैलती है अलग अलग तरीके से, या तो इंसानों के तहत या जानवरों के तहत, तो ये कई सारे ट्रांसमिशन के मीडियम दे रखे हैं। तो वो क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही था, वहां पर कई सारे ट्रांसमिशन के मीडियम दे रखे थे, तो ये सारे ट्रांसमिशन के मीडियम है जिसके तहत ये एक जगह से दूसरी जगह तक फैल सकती है, ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधे अपने आप तो जाएंगे नहीं एक जगह से दूसरी जगह तक बीमारी फैलाने के लिए, तो ये इसकी हेल्प से ही फैलती है, जो कि आप लोगों के सामने कई सारे रीजन है, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट था वहां पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थोड़ा डिटेल में आप लोगों को समझाना था, इसको देखिए आप लोग थोड़ा। ये क्वेश्चन यहां पर बोला गया है कि ये कौन सा स्टेट का यहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पाखुई, ठीक है ना, ये आप लोगों के सामने पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कई सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि ये कैसा क्वेश्चन आ गया, ऐसे क्वेश्चन कहां से उठ के आ जाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट नहीं देखने को मिलेंगे, ये इनडायरेक्ट वे के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर था यहां पर अरुणाचल प्रदेश। आखिर यही क्वेश्चन क्यों आया यहां पर, ये क्वेश्चन इसलिए आया, आप लोग यहां पर देखिए, आप लोग समझ पाएंगे कि किस क्वेश्चन की बात यहां पर क्यों की जा रही है। ये देखिए यहां पर, अभी
इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2018, तो ये मिला है यहाँ पर, ये है यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश में, ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में पर्टिकुलर एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें ये रिजर्व करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। ये अवार्ड जो दिया गया है यहाँ पर, ये मिलकर दिया जा रहा है नेशनल बायोडाइवर्सिटी और यूनियन, ये है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। इसके साथ में यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड द ये क्लाइमेट चेंज भी मिली हुई है। तो ये अवार्ड ज्वाइंटली इनिशिएटिव इनके द्वारा किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर ये अवार्ड निकल के आया, क्योंकि बात क्या की जा रही है, देखिए फोर कैटेगरी में वर्क किया जा रहा है यहाँ पर, कि जो कंजर्व करना है, जो थ्रेटनिंग स्पीसीज है, सस्टेनेबल यूज करना है, जो यहाँ पर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है, सक्सेसफुल मॉडल होना चाहिए, किस तरीके से एक्सेस करना है और शेयरिंग किस तरीके से करनी है, किस तरीके से मैनेज करना है चीजों को, तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी, बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इसीलिए यहां से ये क्वेश्चन निकल के आया, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता निकल के, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये, ठीक है। ये नीचे आप लोग देखिए, अरुणाचल प्रदेश में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा सिंग चुंग भूंग, ये है ब्यूंग, ठीक है ना, BUGUN बुगुन बोलिए इसको, कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है। तो यहां पर ये लगभग 70 स्क्वायर किलोमीटर में है, एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है ये, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन निकल के आ रहा है, बाकी का यहां पर ये अवार्ड दिया गया था, इसे क्वेश्चन निकल के आ रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात पता है क्या, यहां पर ये नॉर्मली वो नाम से पूछा गया है क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को डायरेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। मतलब क्या है, मतलब डायरेक्ट अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता तो आप लोगों से पाके टाइगर रिजर्व का नाम दिया जाता, ठीक है ना। तो ये है पाके, ठीक है, पर लेकिन उन्होंने क्या लिखा है यहां पर, ये लिखा है यहां पर पाखुई टाइगर रिजर्व। तो ये यहां पर ज्यादा नॉन नेम नहीं है, ज्यादा नॉन नेम ये है, मतलब इसको तो वो नहीं होता है कि गांव में किसी का नाम है पप्पू तो पूरा गांव जानता है, और वैसे डॉक्यूमेंट्स में जाकर देखो तो सुरेंद्र सिंह सानी लिखा हुआ है, ठीक है, तो कोई जानता ही नहीं है, तो भैया उसके नाम की कोई चिट्ठी आई है तो बोलते हैं कि यार सुरेंद्र सिंह सानी कौन है, तो पूरा गांव बोलता है हमको तो पता ही नहीं है, हम तो पप्पू जानते हैं भैया। तो यहां पर ये नाम इसका जो ये वाला नाम है, ये सुरेंद्र सिंह सानी और ये है पप्पू, तो पप्पू के नाम से नहीं पूछा गया, सुरेंद्र सिंह सानी के नाम से पूछा गया यहां पर, तो इसलिए भी कंफ्यूजन हो गया लोगों के माइंड में कि यार ये कहां से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, तो नॉर्मल नाम है इसका पाके, ठीक है, टाइगर रिजर्व, ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। और इसी तरीके से आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, ये भी इसीलिए भी यहां पर न्यूज में था क्योंकि आप लोगों के सामने हॉर्नबिल्स, ये यहां पर बात की जा रही है इसको कंजर्व करने की, क्योंकि थ्रेटन्ड स्पीसीज है ये, ठीक है। और इसको यहां पर इंडियन बायोलॉजिकल अवार्ड में, ये यहां पर इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2016 में भी मिला था यहां पर इसको कंजर्व करने के लिए, तो पहले भी अवार्ड मिल चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आप लोगों के सामने क्वेश्चन निकल कर आते हैं, तो अगर आप लोगों को बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है तो आप लोगों से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और एक बात आप लोग गांठ बांध लीजिए, मैक्सिमम मैं बोलूंगा 60-70% जो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे ना, जो आप लोगों को स्टैटिक क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, उनका भी बैकग्राउंड आप लोगों को करंट अफेयर देखने को मिलेगा। तो अगर करंट अफेयर आप लोग ढंग से कवर करके चलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट रहेगा और कहीं पे आप लोगों का सिलेक्शन रुक पाएगा। पर लेकिन कंडीशन फिर वही आती है घूम के, कितना आप लोग कंटिन्यूटी में लेक्चर को देख पाते हैं, एक दिन देखते हैं एक दिन मिस कर देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ऐसा चलेगा तो फिर देखिए सिलेक्शन नहीं होगा, ओके। बाकी आप लोग इसका एरिया भी देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ये देखिए यहाँ पर ये वाला हो गया अरुणाचल प्रदेश में पर्टिकुलर लोकेशन, यहाँ पे देख सकते हैं हर जगह आप लोगों को पाके नाम दिखेगा, ठीक है ना। पर लेकिन जो क्वेश्चन में नाम दिया गया वो आप लोग कहीं नहीं देखने को मिलेगा, जब भी सर्च करेंगे आप लोगों को यही नाम निकल के आएगा, हर जगह यही नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट कर गया है क्वेश्चन को लेकर। तो बाकी शाम को जो वीडियो आ रही है हमारी, उसमें आप लोगों को 50 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे जो कि बचे हुए हैं। 50 क्वेश्चन में ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर से डिस्कस कर चुका हूं, 50 और आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से एंजॉय कीजिए और देखिए अगर आप लोग 2019 के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप लोग प्रिपेयर करके आगे बढ़ सकते हैं। आप लोगों के लिए यहां पर अच्छा खासा टाइम है डिसाइड करने के लिए। फिर मैं सोच रहा हूं कि ढंग से प्रॉपर वे में ट्यूजडे से आप लोगों की प्रॉपर क्लास लगनी स्टार्ट हो जाएगी, जो हम मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं, जिसमें PIB ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़पेपर के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्रीलिम्स के लिए काफी शानदार आप लोगों को देखने को मिले होंगे, जो स्टूडेंट्स अच्छे से क्लास फॉलो करके चल रहे हैं, ठीक है। तो फिर से हम लोग यहां पर इसको प्रॉपर वे में पैटर्न में, अब यहां पर आप लोगों को सेक्शन भी डिवीजन देखने को मिलेगा, जिसमें मैं अलग से यहां पर अब डालने जा रहा हूं इकोनॉमिक सेक्शन भी आप लोगों का, ताकि अच्छे से आप लोग उसको कवर कर सकें। गेम्स वगैरह अवार्ड वगैरह ये सारे सेक्शन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। अब मतलब एक प्रॉपर वे की यहां पर नैनो मैगजीन आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि आपके एग्जाम में काफी फायदा पहुंचाएगी, चाहे SSC चाहे बैंकिंग, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आप लोग देने जा रहे हैं, हर एक पेपर में आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी, ठीक है। और बाकी की जो शाम को क्वेश्चन की वीडियो आती है उसका भी थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा, यहां पर आप लोगों को कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जो कि NCERT से रहेंगे या फिर स्टैटिक पोर्शन से रहेंगे, तो ये भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। बस आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि कंटिन्यूटी में अपना गोल सेट करके अब लग जाइए कमर कस के, अब आप लोगों को पीछे नहीं हटना है जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, अगर आप लोग मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो आप लोगों से डबल काम करूंगा, पर आप लोगों को भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि तभी पढ़ाने में मजा आता है जब सामने से रेस्पॉन्स अच्छा आता है, ठीक है।
तो कोशिश यही कीजिए। बाकी आप लोग यहाँ पर अगर आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन नहीं आता है, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और उसको सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबा सकते हैं और नीचे आप लोगों को सारे लिंक मिल जाएंगे जो जो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं या जो भी वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल रिविजन भी फिर से स्टार्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों का, ताकि आप लोग पॉलिटिकल रिविजन कर सके अच्छे से। तो डेली एक वीडियो पॉलिटिक भी आप लोगों को दिखाऊंगा, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं काफी फायदा हो उससे, तो ये भी फिर से स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, तो फिर ट्यूजडे से प्रॉपर वे में स्टार्ट करते हैं। शाम को देखिए आप लोग क्वेश्चन वाली वीडियो, इंजॉय कीजिए से 50 क्वेश्चन, और इसने नहीं देखी है पहली 50 वाली वो आप लोग एक बार जरूर देखेगा जाकर। ठीक है, पॉलिटिक है मैंने अलग से क्वेश्चन वाली बनाई है, वो भी आप लोग देख सकते हैं, जाकर थोड़ा एक बार देख लीजिए कीजिए क्या क्या वीडियो अपलोड हुई है। अगर आप लोग मान लीजिए दो दिन नहीं देख पाए किसी रीजन की वजह से, तो फिर से आप लोग जाकर एक बार चेक कर लिया कीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।